सूर्य भगवान ऊपर दिख रहा है जैसे, और बादल पूरा और पक्षी वगैरह सब घूम रहे हैं, और ये क्या नज़ारा है, और बहुत अच्छा लगा दृश्य। A few moments later. So hello guys, welcome to new vlog. So friends, hope आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से एक नए वीडियो लेके आया हूँ। ये हाईवे पर एक मंदिर है जो सूर्य मंदिर, रांची का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं यहाँ और दिखाते हैं आप लोग को सात मुड़ा वाला ये मंदिर है, जो कि डिहरी मंदिर से पीछे ही ये मंदिर है, हाईवे पे ही सूर्य मंदिर। बहुत सात घोड़ा वाला ये जो मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सूर्य मंदिर यहाँ का। और ये बुट्टू से पीछे ही है, बुट्टू है ना, बुट्टू से थोड़ा सा पीछे है मंदिर होता है। देखिए आप लोग दिख रहा होगा सूर्य मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है ये भी। चलिए यहाँ का भी थोड़ा दर्शन कराते हैं आप लोग का सूर्य मंदिर का। और रास्ता ये जो आ जाता है आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मेरे वीडियो पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे चल चुके हैं मंदिर, पहुंच चुके हैं बाहर है। देखिए ये मंदिर है, आ चुका है पहले ही, बाइक इधर लगाया हमने। देखिए यही मंदिर, सात घोड़ा वाला मंदिर है, तीन तीन छ एक सात घोड़ा वाला मंदिर है। सूर्य मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, और इसका नीचे संस्कृत बिहार जो लिखा हुआ है, बिहार भास्कर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो स्थान है। देखिए अमन उधर पानी में से हाथ वगैरह धो रहा है, छीटेगा उसके बाद जाएंगे मंदिर में। हम लोग भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत विशाल मंदिर है अभी यहाँ का। आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं, छह राम जगह है जो गुट्टू से करीब 4-5 किलोमीटर पीछे ही है, और आप रांची से निकलिएगा तो मिलेगा ये मंदिर, सूर्य मंदिर। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, सात घोड़ा वाला जो मंदिर है। चलिए हम लोग भी थोड़ा सा एक दर्शन करते हैं सूर्य भगवान से के, और वहाँ से निकलेंगे। यहाँ भी एक पर्यटन स्थल बहुत अच्छा है घूमने का, सब आते हैं लोग, फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं और घूमते हैं। ये जूता चप्पल पर भी उतार सकते हैं, पर भी नीचे ही चल जाता है, जाया जा सकता है। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं, ये अमन आ रहे हैं साथ में, दिखा दिए हेमलेट लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पिक क्लिक करा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। यहाँ का व्यूज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये सूर्य भगवान का ये विशाल मंदिर है फ्रेंड, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य उपासना भवन। देखिए चलिए लोग ले चल रहे हैं, बहुत देखिए सूर्य उपासना भवन ही है। यहाँ पे भी जूता चप्पल उतार सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग नीचे ही उतारे हैं, फोटो वोटो निकालते हैं। बहुत अति सुंदर, बहुत भव्य नज़ारा, बहुत भव्य नज़ारा है यहाँ सूर्य भगवान का। कभी आइए यहाँ, भी आते हैं तो दर्शन कीजिए यहाँ सूर्य भगवान का, शंकर भगवान के। देखिए दर्शन किनारे मंदिर है सूर्य भगवान, बहुत भव्य नज़ारा है। बाबा हैं सूर्य भगवान, देखिए क्या गोल गुंबज है और क्या व्यूज है फ्रेंड्स। और यहाँ आने के बाद लगा कि जैसे स्वर्ग में आए हुए हैं, जैसा एकदम महसूस हो रहा है, बहुत भव्य नज़ारा है ना दीपक भाई, कैसा भव्य नज़ारा है ना, बहुत सुंदर है ना, टॉप क्लास है, बहुत मस्त है। जो यहाँ का लग रहा है कि स्वर्ग में आए हुए हैं ना, दीपक भी बोल रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में आए हुए हैं। और ये एकदम इतना ठंडा ठंडा एकदम, जो सूर्य भगवान का जो प्रतिमा है जो सामने आप लोग को दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत अति सुंदर है। और कभी आइए आप लोग यहाँ भी, और आप लोग के लिए छोटा ऐसे ही वीडियो आप लोग लाते रहेंगे, बहुत जहाँ
प्रसिद्ध मंदिरों में मंदिर है, चाहे जो भी स्थान है अच्छा अच्छा जो रांची में आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हम अभी रांची में आ चुके हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। ऊपर देखिए ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे सूर्य भगवान ऊपर दिख रहा है जैसे, और बादल पूरा और पक्षी वगैरह सब घूम रहे हैं। और अभी ये काम प्रगति पर है फ्रेंड्स, और इससे भी सुंदर बनाया जा रहा है और अच्छा लगेगा कुछ दिन बाद। चलिए अब हम लोग आप लोग को दिखाने का हम कोशिश किए। ये क्या नज़ारा है और बहुत अच्छा लगा दृश्य, बहुत मस्त मंदिर है। और इधर है भाई, हेलो, अच्छा जगह है, आइए भाई घूमने। क्या ये बोल रहा है कि आइए कभी घूमने यहाँ सूर्य भगवान का जो मंदिर है। अभी भी काम इसमें चल रहा है थोड़ा, और ऐसा नहीं है बहुत पहले का ही मंदिर है, पूरा मार्बल वगैरह बनाया हुआ है, बहुत टाइल्स वगैरह लगाया हुआ है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स,